31 तारीख को यहाँ पे स्थापना होगी मूर्ति की, गाइस इस वाले पर्दे के पीछे। गाइस 31 तारीख से जो हवन और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जब शुरू होने वाला है गाइस, वो सभी की तैयारी शुरू हो गई है गाइस। और गाइस हाँ, ये 1011 गाइस 1011 हवन कुंड है सभी के सभी गाइस। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम 11 बजे, बिकॉज गाइस सुबह कुछ काम आ गया था, सो इसलिए मैं आज लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। एंड गाइस अभी चलते हैं फिलहाल बाहर, हम कहीं जाने वाले हैं शायद, चलो चलते हैं, देखते हैं बाहर जाके, नानी के घर जाके देखते हैं, कुछ प्लान बनता है तो जाते हैं बाहर गाइस, लेट्स गो। बाहर ही रहते तो गाइस फाइनली पहुंच गए थे हम नानी के घर। नानी अभी बैठे हुए हैं, बड़े मामा भी आए हुए हैं। भव्य कहाँ गए? काश पास जाने वाले हम? मामा नहीं आने वाले? रिक्शा लेकर गाइस, मामा आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में ऑटो रिक्शा लेकर, अभी बाहर गए हुए हैं थोड़े काम से, तो मामा आएंगे तब हम जाएंगे गाइस। हम जाने वाले हैं टेम्पल गाइस, गोगा महाराज के दर्शन के लिए। हाँ गाइस, कासवा गाइस, कासवा क्या कर रहे हैं देखते हैं। भव्य तो नहीं है, भव्य बाहर गया हुआ है, तब देखते हैं मामा आते हैं तब तक वेट करते हैं और फिर जाते हैं मंदिर गाइस गोगा महाराज के दर्शन के लिए फाइनली। गाइस फाइनली मामा आ गए हमारे, तो अब चलते हैं ऑटो में हमारी गाइस, ऑटो में। तो गाइस चलते हैं हमारी लैम्बोर्गिनी में गाइस, लेट्स गो मामा, लेट्स गो, लेट्स गो, जाने दो। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए नाग देवता के दर्शन के लिए, गोगा महाराज टेम्पल गाइज कासवा गाइज, तो चलते दर्शन के लिए फटाफट, लेट्स गो, और दिखाते आपको कैसा है कैसा नहीं मंदिर। गाइज 31 तारीख से सब हवन वगैरह सब शुरू होने वाला है, तो इसलिए गाइज सब डेकोरेशन किया है यहाँ पे, आगे और भी डेकोरेशन किया गया गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। गाइस हमने मस्त अच्छे से दर्शन भी कर लिए एंड गाइस प्रसाद भी लिया हमने, तो गाइस चलते हैं अभी, और आपको दिखा रहे डेकोरेशन कैसा है यहाँ पे। गाइस मैं और नानी ये इस वाले मंदिर को देखने जा रहा है अभी, कितना बना है देखते हैं, चलते हैं देखते हैं। ये चेक कर गाइस, लगभग लगभग काम कंप्लीट हो गया है इसका। गाइस 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है यहाँ पे, मूर्ति लगेगी और स्थापना भी है गाइस, प्राण प्रतिष्ठा गाइस 31 तारीख को गाइस है, मूर्ति यहाँ पे लगाएंगे। हाँ गाइस ये मंदिर में चलते हैं अंदर एंड देखते हैं कितना बना है कितना नहीं। सो
सो गाइज यहाँ पर लगी की मूर्ति इस पर्दे के पीछे गाइज, ये चेक कर गाइज, लगभग लगभग काम कंप्लीट हो चुका है मंदिर का। गाइस 31 तारीख को यहाँ पे स्थापना होगी मूर्ति की गाइस, इस वाले पर्दे के पीछे। सो गाइस 31 तारीख को हम सभी आने वाले हैं, तो फिर देखें। तो गाइस 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और हवन वगैरह सब है, तो 31 तारीख को हम सब आएंगे देखने गाइस, पूरे फैमिली वाले सब आएंगे गाइस, फैमिली वाले गाइस। और ये अंदर भाई ये बहुत गहरा लगता है, कुआ है कुआ गाइस, ये वहाँ से जाने का रास्ता है गाइस। और यहाँ पे भाई कितना गहरा कुआ है गाइस, चेक करो। अंदर आते ही गाइस ठंडक लगने लगी, ठंडक ये चक्कर गाइस, लगभग लगभग 100 फीट ऊंडा है ये कुआं। सौ फीट गहरा कुआं था गाइस, 100 फीट। और गाइस इस कुएं की खासियत है कि इस कुएं में कभी भी पानी गाइस खत्म नहीं होता है। तो गाइस ये 31 तारीख को सब प्राण प्रतिष्ठा है, तो गाइस उसकी सब तैयारी शुरू हो गई है गाइस। तो भाई क्या मस्त डेकोरेशन किया गया गाइस, क्या मस्त लग रहा है गाइस। 31 तारीख से जो हवन और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जब शुरू होने वाला है गाइस, वो सभी की तैयारी शुरू हो गई है गाइस। हाँ गाइस, और वहाँ पे गाइस हवन कुंड है वहाँ पे, तो जाके देखते हैं। ये सब हवन कुंड बनाया गया है यहाँ पे गाइज, यहाँ पे सब पूजा वगैरह और सब हवन गाइज, यहाँ पर सब हवन वगैरह सब होगा। और गाइज हाँ, ये 1011 गाइज, 1011 हवन कुंड है सभी के सभी गाइज, 1011 हवन कुंड गाइज। उपाय कितने सारे हवन कुंड है गाइज। सो गाइज ये सब मिट्टी देख रहे, सो गाइज ये गोबर से और मिट्टी से बनाया हुआ लेप है गाइज, इतनी ठंडक है ना गाइज यहाँ पे भाई। और ऊपर गाइज मस्त ठंडक लगे, मतलब गर्मी नहीं लग सकती गाइज, ठंडक ही ठंडक है भाई। ये और ये गाइज आज के दिन ही अलग हुए यहाँ पे आने का, और कल से ये सब बंद हो जाएगा गाइज। तो आज अच्छा हो गया, हम आ गए देखने को मिला, और हवन वगैरह सब शुरू हो जाएंगे, तो गाइज अंदर जाने आने ही नहीं देंगे। मतलब गाइज हवन जो लोग कर रहे हैं वो सभी बैठ सकते हैं, उसके अलावा कोई बैठ नहीं सकता, मतलब कोई आ भी नहीं सकता अंदर। और ये सभी गाइज अलग है, सबके बीचों बीच गाइज ये हवन कुंड है सारा। गाइज हवन कुंड तो हमने देख लिया, अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं गाइज, दूसरा डेकोरेशन क्या किया क्या नहीं देखते हैं। ओ भाई क्या मस्त लग रहा है ये डेकोरेशन गाइज। गाइज ये मैदान देख रहे हो गाइज, यहाँ पे गाइज यहाँ पे सब प्रोग्राम वगैरह होगा। एंड गाइज पार्किंग उस साइड है, पीछे की साइड है गाइज पार्किंग। एंड गाइज इसके पीछे यहाँ पे गाइज वहाँ पे गाइज हेलीकॉप्टर भी उतरने वाला है गाइज। हाँ 31 तारीख को गाइज हम लोग आएंगे देखने, जरूर आएंगे, काफ़ी मस्त डेकोरेशन किया गाइज सब। सो गाइज सभी डेकोरेशन हमने देख लिए और दर्शन भी कर लिए अच्छे से, तो गाइज चलते अभी कर, मामा गए अभी ऑटो रिक्शा लेने, वो आते हैं फिर चलते हम कर। सो गाइस फाइनली आ गई हमारी ऑटो। ये चेक करे गाइस, ये तो नानी बिक गई पूरी, ये क्या किया ये देखो नानी बिक गई पूरी, कहाँ से गीली हुई है बिक गई, भव्य भव्य ने पानी डाला होगा। एंड गाइस ये देखो
मुंडी इसकी पूरी लुढ़क गई है, फिर भी कैसे सोई हुई है ये चेक कर। अगर पूरी मुंडी लुढ़क गई। टेबरे टेबरे बॉय गाइस, टेबरी का तो ऐसा सीन रहता ही है। और जय जय आ गया था हमारा भाई। कब आया तू? अभी आया थोड़ी देर। और कल आया था ना, फिर वापस चला गया था। हाँ, काम था इसलिए। ट्यूशन गया था ना, सीधे सीधे बोलना। ट्यूशन और ट्यूशन से वापस यहाँ पे आ गया, ट्यूशन ख़त्म कर गया। फिर अभी वापस फिर से अहमदाबाद जाने का। भाई कड़ी लवर, कड़ी लवर। गाइस अभी हम हमारे घर जा रहे हैं, बिकॉज हमें शॉर्ट्स एक बनाना है। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं हम, मैं और जय और भव्य भी। गाइस चलते गाइस, लेट्स गो। गाइस ये इंसान देखो गाइस, बिल्कुल चल नहीं सकता है। इतने से इतने में जाने का गाइस, गाइस वहाँ से यहाँ तक जाने में साइकिल, गाइस साइकिल। इसलिए गाइस इसका पेट बड़ा है, इसलिए समझो आप, समझ रहे ना। ओके सो गाइस, फाइनली पहुँच गए घर। मम्मी गाइस यहाँ पे बैठी हुई है। तो गाइस हम लोग शॉर्ट वीडियो बना के फिलहाल हम लोग आ गए थे अभी नानी के घर। एंड ये क्या कर रहा है पागल, फिर से करता हूँ एक बार, वंस मोर। क्या पागलबंदी कर रहा है गाइस। और ये जय भाई क्या बताए, कैसा बना शॉर्ट्स आज? गाइस हमने दो शॉर्ट्स वीडियो बनाए, वो एक कल शो होगा और एक परसों शो होगा। हाँ, 7 बजे गाइस हमारे शॉर्ट्स वीडियो 7:30 बजे आ गए। और क्यों हंस हंस कर रहा है भाई, ब्लॉग क्यों नहीं बनाने दे रहा मुझे? क्या है तेरे को, क्या चाहिए? नानी इसे कुछ समझाओ यार, वो लकड़ी से मारो इसे, लकड़ी से मारो गाइस। गाइस गाइस क्या हुआ भाई? ओ भाई ये पैसे किसने दिए? गाइस नानी ने पैसे दिए। क्या क्या खाने को दिए पैसे? गोल गप्पे गाइस, गोल गप्पे खाने ये दोनों को तो पैसे दिए नानी ने। मेरे गोल गप्पे के पैसे मुझे चाहिए, तू नहीं ले सकता। 10 तेरे 10 इसके 10 मेरे। ओके पेटू। और जय तो जा रहे हैं अहमदाबाद, क्या करें, चलो गोलगप्पे खाते आते हैं। चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, ये रहा ना गाइस, ये चेक करें गाइस, ये गोलगप्पे जैसा ही है हमारा। ये मोटा मोटा वाला गोलगप्पा गाइस, मोटा वाला। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं गाइस हमें गोलगप्पे खाने के लिए गाइस, हमारे घर के पास में ही है यहाँ पे। और मामा भी आ गए ऑटो लेके। एंड गाइस ये भी इंतज़ार कर रही है मामा का। और ये रहे हमारे गोलगप्पे गाइस, चलते हैं खा के आते हैं। तो क्या खाएगा तू, खाएगा गाड़ी में तकलीफ पड़ा है। क्या संडे को ना, 31st को ना, 31st को आ जाओ। जय चलो मिलते फिर। सो गाइस फाइनली हम गोलगप्पे खा के आ गए थे वापस घर। एंड जय भी चला गया अपने घर अहमदाबाद वापस। एंड गाइस भव्य ऊपर गया। हाँ गाइस एंड अभी हाँ आरती स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ मंदिर में। सो गाइज अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं करते हैं, बिकॉज गाइज मेरा फ़ोन का स्टोरेज फिर से फुल हो गया यार, पता नहीं क्यों जल्दी फुल हो जाता है मेरा फ़ोन का स्टोरेज गाइज। 128 है फिर भी फुल हो जाता है। तो गाइज इस वाले ब्लॉग को हम यही करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय। अभी जय जा रहा है।